हेलो गाइस गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम पे जितने भी ब्लॉगर्स लोग हैं, ठीक है, वो सभी क्या कर रहे हैं कि मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे काम करते हैं, मतलब उस पर आर्टिकल लिखते हैं। और आर्टिकल लिख के बहुत लोग अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। यहाँ तक मैंने भी काम किया, मुझे भी रेवेन्यू सही जनरेट हुआ, ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिला। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। और प्रेजेंट टाइम पे आप सभी को इन कीवर्ड पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा कि रियलिटी क्या है प्रेजेंट टाइम पे इस मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स के बारे में, उन सभी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स पहले हुआ करती थी, जैसे कि 9x मूवीज, वर्ल्ड फ्री फॉर यू, तो ये सभी मतलब एक तरीके से मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है। ओके, अब ये मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट का काम क्या होता है? तो पहले क्या होता था, लोग मूवी देखने नहीं जाते थे और अभी भी नहीं जाते हैं, तो वो लोग ऐसी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड कर लेते थे। इसलिए इन सभी वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और इनका जो ट्रैफिक होता है वो इस जो इनका मेन कीवर्ड होता है, इनकी वेबसाइट का जो नेम होता है, उन कीवर्ड्स पे होता है। ओके, तो जो ब्लॉगर्स हैं, ओके, मतलब जितने भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनके कीवर्ड्स को टारगेट करके आर्टिकल लिखते हैं। जैसे कि आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखा दूं, मैंने भी इनकी मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे काम किया है। ओके, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं। तो जैसे कि आप मेरा आर्टिकल देख रहे हो, MP4 मूवीज, डाउनलोड हब, ठीक है, मूवीज अड्डा, ठीक है, यू वॉच फ्री, तो ये सब मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स हैं। और इन मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे बहुत लोग क्या करते हैं, जितने भी मतलब मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स हैं उनके कीवर्ड्स उठा के उनके ऊपर आर्टिकल लिख देते हैं और आर्टिकल लिख के उसे पब्लिश कर देते हैं। ओके, इससे होता क्या है कि जो यूजर मूवी डाउनलोडिंग सर्च करने आते हैं, उनको तो ये मालूम नहीं होता है कि इन वेबसाइट जो कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट जो होती है मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स की, वो हमेशा मतलब एक तरीके से सस्पेंड कर दी जाती है, गूगल की तरफ से हटा दी जाती है, क्योंकि वो पायरेटेड चीज रखती है। और जो ये ब्लॉग होते हैं जो इन मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे काम करते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके की मूवी डाउनलोडिंग के लिंक नहीं प्रोवाइड की जाती है, कुछ भी इलीगल चीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बस उसमें रिव्यू टाइप का बताया जाता है कि इस मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे क्या क्या चीजें मिलती थी, कब इस मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की स्टार्टिंग हुई, कैसे ये बंद हुई, क्या क्या कंटेंट इस पे दिया जाता था, कैसे आप डाउनलोड कर सकते थे। ओके, मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन देते थे और आखिरी में लोगों को सजेशन देते थे कि आप लोगों को इन वेबसाइट से दूर रहना चाहिए। ओके, क्योंकि ये इलीगल वेबसाइट है, इससे आप फंस सकते हो, आपको जेल हो सकती है, क्योंकि पायरेटेड चीज कॉपी करना या फिर डाउनलोड करना एक तरीके से इलीगल है अपने भारत देश में। तो इसलिए ये जितने भी ब्लॉग्स होते थे मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे, उनमें सजेशन दिया जाता था कि आपको उनसे सेफ रहना है। ओके, तो गूगल की नजर में ये ब्लॉग एक तरीके से ट्रस्टेड ब्लॉग होता था, मतलब एक तरीके से यूनिक ब्लॉग होता था, यूनिक आर्टिकल होता था और एक तरीके से सपोर्टेबल आर्टिकल होता था, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं पायरेसी को रोकने के लिए। इसलिए गूगल इन्हें कभी डिसअप्रूव नहीं करता था। अगर कुछ वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल होता था और आप उस आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो गूगल कभी उसे डिसअप्रूव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि ये बंदा उसकी मदद नहीं बल्कि पायरेसी को रोक रहा है, लोगों को सजेशन दे रहा है, क्योंकि जितने भी यूजर हैं वो रीड करने आते हैं आर्टिकल। ओके, तो उनको बता रहे हैं, तो इसलिए कभी इनका जितना भी मतलब आर्टिकल था उनमें कभी एडसेंस डिसअप्रूव नहीं हुआ। तो जिन भी लोगों का ये क्वेश्चन रहा कि एडसेंस डिसअप्रूव होता है या फिर नहीं होता है मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे, तो उनको जवाब मिल चुका होगा कि गूगल कभी भी सही कंटेंट को डिसअप्रूव नहीं करता। ओके, मतलब अगर आप अच्छी चीजें बता रहे हो, खराब चीज को खराब बता रहे हो, अच्छी चीज को अच्छी बता रहे हो, तो गूगल कभी आपको एक तरीके से डिसअप्रूव नहीं करेगा, मतलब आपका अकाउंट जो है सस्पेंड नहीं करेगा। ओके, बट
अगर आप उनकी मदद कर रहे हो, जैसे कि आप ये मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे खाली अपनी जितनी भी मूवी है उन मूवी डाउनलोडिंग लिंक अपने आर्टिकल पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो गूगल की नज़र में क्या है कि वो एक तरीके से पायरेटेड, मतलब एक तरीके से पायरेसी वेबसाइट है। ओके, पायरेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो गूगल आपका अकाउंट तो, मतलब एक तरीके से आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो तो डिसअप्रूव करेगी करेगी और रैंकिंग भी खराब कर देगी। ओके, और आपके ब्लॉग को भी हटा देगी। इसलिए ये जितने भी रिव्यू ब्लॉग थे, रिव्यू आर्टिकल्स थे मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे, ये बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लाने लगे, क्योंकि इनकी अगर मैं ट्रैफिक दिखा दूं मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स की, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती थी। अब जैसे मैं वर्ल्ड फ्री फॉर यू की ही बात करूं, तो वर्ल्ड फ्री फॉर यू की मंथली सर्चिंग है 1 मिलियन। ओके, और 1 मिलियन रियलिटी है, क्योंकि जब मैं इस वेबसाइट पे काम करता था, मतलब इस कीवर्ड पे जब मैंने काम किया था और मेरा आर्टिकल इस कीवर्ड पे नंबर 1 पेज पे रैंक रहता था, 7वें, 8वें, 5वें, 4थे नंबर पे हमेशा रहता था, तो मेरे को भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता था। मंथली अगर मैं बात करूं तो मैं मंथली तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट वर्ल्ड फ्री फॉर यू से मुझे डेली का 500 के अब भी मिला। जब ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले मैं बात करूं तो 1000+ तो रहता ही रहता था खाली वर्ल्ड फ्री फॉर यू से। ओके, और बाकी अगर मैं सीपीसी की बात करूं, तो जितनी सीपीसी आपको यहाँ पर दिख रही है वो सीपीसी रियलिटी नहीं है। मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की अर्निंग बहुत बेकार होती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे आपने पूरे आर्टिकल इसी से रिलेटेड लिखे हैं, तो ये समझ लो कि आपकी जो सीपीसी है वो 0.1 से लेके 0.4 तक रहेगी, और मिनिमम मैं बता रहा हूँ 0.1, 0.2, 0.4 तो कभी कभार होती है वरना नहीं होती है। इसलिए अर्निंग जो है, अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है, मतलब कभी कभी मेरी वेबसाइट पे 15,000 का ट्रैफिक आ जाता था एक दिन में, तब भी मेरी जो अर्निंग होती थी वो 10 से $12 की होती थी। मेरे क्लिक्स 200, 300 पहुंच जाते थे। ओके, बट 0.1, 0.2 सीपीसी के चक्कर में मेरी जो अर्निंग थी वो हमेशा खराब रहती थी। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी होगा सीपीसी को लेकर, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई थी। ओके, तो ये प्रॉब्लम रहती थी मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या प्रेजेंट टाइम पे मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इन वेबसाइट पे अब एडसेंस डिसअप्रूव नहीं होता है। ओके, और अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। तो सीन ये है कि जितनी भी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट, ओके, या फिर जितनी भी अदर सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कोरा, मीडियम, ठीक है, लिंक्डइन, तो ये सभी वेबसाइट्स, ओके, या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाती हैं, क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा हाई डीएपी वाली वेबसाइट को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देता है। और गूगल में जितने भी आप मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड सर्च करोगे, उस पर आप देखोगे सबसे पहले तो न्यूज साइट्स कवर करी रहती हैं। जैसे कि आप देखोगे ये न्यूज साइट, ये जनसत्ता, ठीक है, साइट्स गूगल, ये को, यहाँ जितनी भी हैं सब न्यूज साइट्स हैं और सोशल मीडिया साइट्स हैं। तो सीन ये है कि अब क्या है कि अगर किसी भी मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे आप अगर काम करते हो, तो ये तो भूल जाओ कि आप नंबर 1 पेज पे फिक्स रहोगे, क्योंकि वहां पर आपको पहले से ही न्यूज साइट्स कवर करती हुई मिलेंगी। ओके, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो दो पेज तक न्यूज साइट्स ही भरी रहती है, हिंदी, इंग्लिश, इंटरनेशनल, जितनी भी न्यूज साइट्स होती हैं उस कीवर्ड्स पे कवर की रहती हैं, और न्यूज साइट्स को बीट करके नंबर 1 पेज पे आना इम्पॉसिबल होता है। ओके, तो इसलिए ट्रैफिक के मामले में अगर हम बात करें, तो जितना आपको यहाँ ट्रैफिक दिख रहा है उसका 10% ही आपके आर्टिकल पे आता है मंथली, अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 के बीच में रहते हो। ओके, जितने भी यूजर हैं वो न्यूज साइट्स पे चले जाते हैं और वहीं पर उनको छोटा मोटा कंटेंट मिलता है और वहीं से वापस लौट जाते हैं। आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आता, क्योंकि न्यूज साइट्स कवर रहती हैं। ओके, तो जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इस मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे काम करें, इस मूवी वेबसाइट वाले जितने भी मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिख के एक अच्छी खासी वेबसाइट बनाएं और अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाएं, अच्छी खासी अर्निंग करें, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, सीन ये है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि पहले क्या था कि न्यूज साइट्स के आर्टिकल बहुत कम थे, वो न्यूज ही देती थी, बट अब क्या है कि जितने भी हाई,
वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, जहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, जहां पर सर्चिंग रहती है, वहां पर आपको न्यूज साइट्स हमेशा रैंक मिलेंगी। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया वर्ल्ड फ्री फॉर यू, 9x मूवीज पे, और भी कई कीवर्ड्स हैं, सब पे चेक कर लो, तो वहां पर न्यूज साइट्स कवर करी रहती हैं और उनको बीट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आप यहाँ पर रैंक कर भी जाओगे तो कोई फिक्स नहीं रहेगा आपकी रैंकिंग, कभी ना कभी तुरंत ही डाउन हो जाओगे। और ये है कि हाँ, ट्रैफिक आएगा, एक नॉर्मल ब्लॉग से अच्छा ट्रैफिक आएगा, बट एक नॉर्मल ब्लॉग की जो सीपीसी होती है उससे कई घटिया सीपीसी इन मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स की होती है। और इसलिए आप अगर वहां पर नॉर्मल ब्लॉग पे 1000 का भी ट्रैफिक लाते हो और सीपीसी 0.5 या 0.10 के बीच की है, तो आप यहां से ज्यादा अर्निंग कर लोगे। यहां पर अगर 10000 का भी ट्रैफिक लाओगे तब भी आप उतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे जितनी आप वहां कर पाओगे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जितने भी लोग हैं उनको इन मूवी डाउनलोडिंग कीवर्ड्स पे काम नहीं करना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे। ओके, पहले कर सकते थे बट अब नहीं, अब बिल्कुल ही कचड़ा हो चुका है, किसी और नीच को पकड़ो, वहां काम करो। ओके, तो मेरा जो सजेशन था और भी जितने क्वेश्चन थे उन सभी चीजों का मैंने आंसर दे दिया। तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा उनको सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, दोबारा से प्ले करके देख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।